मुंगेर में दुर्गा माता की विसर्जन का जो जुलूस निकला था वहाँ हिंसा हो गई। हिंसा के बाद वहाँ पुलिस ने फायरिंग की, उसमें एक की मौत हो गई और बहुत लोग आज भी गंभीर रूप से घायल हैं। ये मानता हूँ कि हिंदुत्व के ऊपर हमला है। इस प्रकार से अगर दुर्गा माता के जुलूस पर हमला महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में होता तो मुझे पूरा विश्वास है वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के सभी बीजेपी के हमारे जो पॉलिटिकल जो नेता है, राजकीय नेता है, वो सभी ने सबसे पहले वो मांग करते थे कि वहाँ राष्ट्रवादी शासन लगाओ, सरकार को बर्खास्त करो और ये सरकार हिंदुत्व विरोधी है। तो अगर मुंगेर में इस प्रकार से हमला होता है जहाँ बीजेपी की भी सरकार है तो क्या हिंदुत्व का विरोध नहीं है? ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब तक न राज्यपाल ने उस बारे में सवाल उठाया है और ना वहाँ की बीजेपी ने सवाल उठाया है। मैं तो महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ के राज्यपाल से बात कर लीजिए और कहिए कि क्या वहाँ का जो सरकार के जो मुखिया है क्या वो सेकुलर बन गए?